मैं मीडियम साइज का कटोरा या पतीला लिया है, इससे पहले आधा पानी लिया है, देन पाउडर डालेंगे इसके अंदर हम। पानी को 5 मिनट के लिए गर्म होने देंगे, फिर हम लोग फ्लेम को बंद कर देंगे। पानी को मिक्स कर लेते हैं पहले, उसके बाद सारी चीज़ों को इसके अंदर हम डाल देंगे, जो भी हमारे गंदे ब्रशेस और स्पंजेस हैं। इसे डालने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करने वाले हैं 5 मिनट तक, फिर ऐसा एक जो जाली जैसा होता है टी छानने वाला, उसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, आपके घर में अवेलेबल होगा इजीली, आई नो। तो इसको अच्छे से रब करना है हमें इसके अंदर, क्योंकि इससे क्या होता है सारी जो गंदगी होती है फाउंडेशन वगैरह सब निकल जाते हैं ब्रशेज से, और हमारा ब्रश पूरा क्लीन हो जाता है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया मेरा ब्रश, और मैं बहुत खुश थी कि इतने दिनों बाद मैंने अपना ब्रश इसको धोए हैं, साफ किए हैं। अगर इस तरह से मैं सारे ब्रश को एक के बाद कर लेती हूँ। सारे ब्रशेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक अच्छे से पानी में इसको साफ पानी में रख देंगे, फिर एक बार धोने के बाद वापस एक अच्छे से पानी में रख डाल देंगे। सी कितना साफ हो चुका है सब।